Hi, this is Kirti Kulhari and you're watching me on indiaglitz.com. Jal, jal hai, baki sab kal hai. Jal is basically a film in the... Jal uska backdrop mein hai. It's not like a film based on water, water. Ek kahani hai ek water diviner ki, pani ke devta ki, jisko jo Purab play kar rahe hain, Bakka unka naam hai. Aur do gaon ki kahani hai, do dushman gaon kehlate hain, kyunki main dushman gaon se hoon, kyunki mere paas pani hai. Mere paas pani hai, mere paas jal hai, tumhare paas kya hai? So Bakka ke gaon mein jal nahi hai, so hamari ladai hoti hai. Hamari matlab gaon ki ladai hai aapas mein. So, कैसे पूरब के साथ बक्का के साथ किस तरह के सिचुएशंस आती हैं, किस तरह के लोग जुड़ते हैं. एक बर्ड वॉचर भी आती है फिल्म में बीच में, जहाँ पे पता चलता है कि पानी की कमी से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके साथ कैसे डील किया जाता है. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ स्टोरी ऑफ, इट्स लाइक अ हाई ऑक्टेन ड्रामा वेयर यू हैव लव, यू हैव लस्ट, यू हैव कॉमेडी, यू हैव एक्शन, यू हैव एवरी पॉसिबल मसाला दैट यू कैन लुक फॉर इन अ बॉलीवुड फिल्म. सो इट्स अ कम्प्लीट बॉलीवुड एंटरटेनर. सुपर से ऊपर मैं आई वॉज प्लेइंग अ स्मॉल टाउन, यू नो, राजस्थानी गर्ल. दिस इज़ लाइक अ हार्ड कोर कच्छी लड़की. सो डिफरेंस आ जाता है एक छोटे शहर में और एक बिल्कुल गाँव की लड़की में, काफ़ी फ़र्क आ जाता है. एंड दैट्स द मेजर डिफरेंस. एंड कच्छ हालांकि इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन थोड़ा बहुत राजस्थान से मिलता जुलता है, बट आई थिंक वॉट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट वॉज द एक्सेंट. डायलेक्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा पकड़ना. एंड फाइनली डबिंग में मैंने उसको पकड़ लिया और आई होप इट्स टर्नड आउट वेल. सो इट्स बीन टफ बट इट्स बीन अमेजिंग. दैट पर्टिकुलर सीन, वो मुझे स्टार्टिंग से, मतलब गिरीश उसको, जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उस सीन को लेकर बहुत, मतलब बहुत एक्साइटेड रहते थे कि और यू नो, मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन कभी नहीं हुआ बॉलीवुड में किसी हीरोइन का. सो आई एम लाइक हाँ हाँ ओके, बिकॉज आई शुड बी लाइक देखते हैं कैसे शूट करते हैं टाइप्स. एंड आई रिमेंबर जब शाम के करीब 5 बज गए थे एंड मतलब अरे लाइट जा रही, लाइट जा रही, जल्दी करो, जल्दी करो, कीर्ति को बुलाओ, कीर्ति को बुलाओ. और कीर्ति तो मतलब तैयार रहती है कि क्या करना है, मरना है, चलो मैं तैयार हूँ. सो मैं पहुँच गई एंड सर ये शॉट है, तुम यहाँ से निकलोगी. एंड इट्स अ वेरी, काफ़ी टेक्निकली भी काफ़ी बहुत डिफिकल्ट शॉट था, बिकॉज हमें दिखाना था कि धूल उड़ रही है और धूल से उड़ती हुई कुछ दिखाई दे रही हैं, लोग यू नो आ रहे हैं. सो इट वॉज अ, यू हैड टू डू अ लॉट टू क्रिएट दैट धूल एंड एवरी थिंग. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैड टू बी मैनेज्ड इन टर्म्स ऑफ दैट. सो मैं पहुंच गई अपना ये लेकर एंड मेरे पीछे 15-20 लड़कियां अपने अपने लेकर एंड अपने अपने हथियार लेकर, आई मीन. सो आई लाइक ओके, मतलब माइक पे चलाया जा रहा है, बिकॉज इट्स लाइक अ ह्यूज स्ट्रेच एंड यू हैव टू टेक लॉन्ग शॉट्स ऑफ यू रनिंग एंड एवरीथिंग. सो ओके एक्शन. और जो मतलब मैंने भागना शुरू किया एक्शन पे, मतलब आई थिंक आई बिकेम लाइक पीटी उषा फॉर सम, आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स आई रैन फॉर सम 2 किलोमीटर्स. मतलब भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ. एंड यू कांट नॉट रन विद दैट इंटेंसिटी, बिकॉज आपको पता है शॉट चल रहा है और जब तक वो कट ना कह दें तो आप कैसे कैसे रुक जाओ. सो मैं भागे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ. पीछे लड़कियाँ, दीदी धीरे, प्लीज़ धीरे. आई एम लाइक चलो भागो, भागो, यू नो. एंड आई रिमेंबर व्हेन ही फाइनली सेड कट, आई वॉज लाइक, मैं बस नीचे जो गिरी एंड आई हैड सच बैड एब्डोमिनल पेन कि मतलब उसके बाद सोच रही थी कि एक और शॉट लें. आई सेड नॉट टुडे. लाइट भी जा चुकी थी वैसे, दैट्स द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. बट आई वॉज लाइक बाई द एंड ऑफ इट डेड. एंड मैं वो सेम शॉट मैं फिर से अगले दिन उतना फिर से भागी एंड आई थिंक वी जस्ट डिड 2 शॉट्स ऑफ इट एंड आई थिंक वी गॉट वॉट वी गॉट. एंड वेन आई सॉ इट ऑन स्क्रीन आई एम लाइक, एवरीबडी इज लाइक माई गॉड, वॉट एन इंट्रोडक्शन. एंड आई एम लाइक आई नो व्हाट आई डिड फॉर इट. मैं लकीली मेरे को कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं ऐसी स्ट्रांग लड़की हूँ, मैं दिखती नहीं हूँ बट आई एम वेरी स्ट्रांग इन द फिल्म. प्लीज वॉच जल फॉर दैट. सो सीरियसली लाइक इतनी गर्मी होती थी, इतनी धूप थी, इतनी मिट्टी लू चलती थी कि मतलब रोज़ ये डर लगता था कि यार मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ आज, क्योंकि सनस्ट्रोक्स बहुत ईजी होते हैं, लू आपको लगना बहुत आसान होता है, बुखार हो जाती है, डायरिया हो जाता है. सो आई वॉज ऑलवेज वेरी स्केप्टिकल ऑफ दैट. बट दोज 30 days दैट आई स्पेंट इन भुज विदाउट फॉलिंग सिक फॉर अ सिंगल डे एंड आई वॉज लाइक वाओ मैन आई मस्ट बी स्ट्रांग. So I think it was great, yeah, and it just helped us become, you know, part of the film in a better way, perform better. क्योंकि आप
उसी माहौल में एकदम जीना शुरू कर देते हो एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट एंड इट स्टार्ट्स हेल्पिंग यू विद योर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. सो इट वॉज ग्रेट, वेरी पॉजिटिव एक्चुअली स्पीकिंग. मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं फिल्म को लेकर. पूरी मेहनत इसलिए चल रही है क्योंकि हम सिर्फ लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं कि ऐसी फिल्म आ रही है, तो प्लीज़ उसको मिस मत करिए. जनरली ऐसा होता है कि फेस्टिवल फिल्म होती है तो लोगों का परसेप्शन बन जाता है कि अरे यार ऐसी फिल्म होगी थोड़ी सी सीरियस टाइप. ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम प्रॉपर बॉलीवुड मसाला फिल्म है. ओनली डिफरेंस इज बॉम्बे की जगह या लंदन की जगह इज सेट इन कच्छी विलेज. सो दैट्स ओनली डिफरेंस, अदरवाइज इट्स अ कम्प्लीट एंटरटेनर. मसाला है, प्यार है, मोहब्बत है, पैशन है, एक्शन है, एवरी थिंग इज देयर इन इट एंड ब्यूटिफुल म्यूजिक, ब्यूटिफुल सिनेमाटोग्राफी, सो ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेज. सो आई थिंक इट्स अ कम्प्लीट फिल्म. सो बहुत उम्मीदें हैं, बस आ जाइए थिएटर तक, फिर हमारा वादा है हम आपको जाने नहीं देंगे. जिस तरह की ये फिल्म है, जिस तरह का मेरा रोल है, इट्स समथिंग दैट पीपल डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. एंड आई एम ऑलमोस्ट हेयर टू सरप्राइज एंड शॉक पीपल विद जल. फिलहाल मैं शूट कर रही हूँ एक फिल्म के लिए, इट्स कॉल्ड बंदेया, इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी. आई एम स्टिल शूटिंग फॉर इट, सो कांट गिव यू ऑल द डिटेल्स, बट राइट नाउ दैट्स व्हाट आई एम शूटिंग फॉर. इसके अलावा वेट एंड वॉच. हाँ, स्ट्रगल करना पड़ रहा है. मतलब जिस तरह की मुझे लगता है कि मैं जितना कर रही हूँ मैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकती हूँ, केपेबल हूँ करने की, तो मुझे उस तरह की प्रोजेक्ट्स और उस लेवल्स के प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं सॉर्ट ऑफ. बट आई थिंक आई एम वेरी होपफुल अबाउट टाइम्स टू कम, थिंग्स विल चेंज एंड आई थिंक आई विल गेट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर.